बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप आप सब बड़ी होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एथेना नेटवर्क के बारे में। तो एथेना नेटवर्क तकरीबन एआई से रिलेटेड यहाँ पे टोकन है, एआई के बेस पे बनाया गया ये टोकन। तो सबसे पहले हम इस पे साइन अप पे बात करेंगे। तो साइन अप कैसे करना है और आने वाले दिनों में इसका क्या जो है प्राइस रहने वाला है, तो उस पर भी थोड़ी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउनलोडिंग में इशू आता है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करके कंटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो हमारे पास शो कर रहा है ए आर, यहाँ पे ये सारा कुछ ए आर पावर्ड के वाई सी एंड माइनिंग। ठीक है, यहाँ पे नीचे अगर दूसरा स्टेप हमें दिखाता है तो दूसरे स्टेप में डेटा माइनिंग एंड रिवार्ड है, एंड तीसरे स्टेप पे हमें क्रिएट योर नेटवर्क, एंड यहाँ पे चौथे स्टेप पे क्लीम दी लीडर बोर्ड। तो यहाँ पे हम करेंगे गेट स्टार्टेड पे क्लिक एंड एग्री टू कंटिन्यू। ठीक है, एग्री टू कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर हमें यहाँ पे मिलता है साइन अप विद ईमेल, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक। तो आपको यहाँ पे जो है कंटिन्यू विद यहाँ पे गूगल पे क्लिक करना है, आप कंटिन्यू विद फेसबुक पे क्लिक नहीं करना आपको। ठीक है, याद रहे फेसबुक जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता, इससे फिर आपकी आईडी बैन होने का खतरा रहता है। तो यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी आपके जीमेल होंगी वो आपके सामने स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाएंगी। फिर जिस जीमेल से भी आप करना चाहें इसको अटैच, तो उस पर आपने टैप कर देना है। जैसे आप टैप कर देंगे तो ये यहाँ पे थोड़ी देर लोडिंग लेगा। हो सकता है कि फ़र्स्ट टाइम अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, लाजमी बात है फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होंगे, तो इस पे थोड़ा लोडिंग ज़्यादा रहेगा। तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, इधर उधर हाथ नहीं मारना। अगर इधर उधर हाथ मारोगे तो फिर आपका यहाँ पे जो है बैक वगैरह इधर हो जाएगा, फिर एरर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली यहाँ पे हो गया है। तो इसके बाद यहाँ पे देखें तो स्ट्रीक यहाँ पे हमें रिसीव 5 है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली, यहाँ पे हमें 5 यहाँ पे जो है ये यहाँ पे एथेना नेटवर्क के टोकन फ्री में मिल गए हैं। यहाँ पे इसके बाद अगर आएँ तो यहाँ पे देखें तो लकी व्हील है, अगर हम लकी व्हील पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम स्पिन करके भी यहाँ पे टोकन अर्न कर सकते हैं। तो याद रहे कि जो भी प्रोजेक्ट होता है तो आपने उसको सिर्फ और सिर्फ क्या देना होता है, आपने टाइम देना होता है। जैसे कि माइनिंग के लिए आपको 2 मिनट दें, 1 मिनट दें, जितना भी टाइम लगे आपके नेटवर्क के हिसाब से। तो फिर इंशाल्लाह जितने भी प्रोजेक्ट मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किए हैं, आइस नेटवर्क, पाई नेटवर्क और बहुत सारे भी नेटवर्क हैं, वो 1, 2, 3 नेटवर्क तो ऐसे भी हैं जो कि लिस्टेड भी हो चुके हैं। तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिस नहीं करना है। आपने अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट मिस किए हैं तो हमारा जो यही चैनल है आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर देखें तो प्रोफाइल का साइन आ रहा है ऊपर की साइड पे, तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल वाली जगह पे आपको क्लिक करना है, इस वाली जगह पे। ठीक है, यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ पीछे से। तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए तो हमारा लेवल 1 शो करवा रहा है, और यहाँ पे लेवल 2 हमारा कब होगा, लेवल 2 हमारा होगा जब हमारे पास 72 टोकन इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉट सेट येट, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉट सेट पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारे पास मांगेगा केवाईसी। बिल्कुल भी सिंपल है, आपको जस्ट एक फ़ोटो चाहिए या फिर लाइव में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें क्लियर फ्रंट फेस फोटो रिक्वायर्ड, नो ग्लासेस, हेड्स आर मास्क कैप्चर इन वेल इट इन्वायरमेंट, मतलब कि आपके यहाँ पे हेड पे कोई कैप वगैरह नहीं होनी चाहिए, आपके यहाँ पे कोई ग्लासेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे करना है फ़ोटो अपलोड। तो सबसे पहले अपडेट योर फोटो पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक है कैमरा, अगर आप कैमरा से करना चाहें लाइव तो वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा गैलरी, यहाँ पे मैं जैसे गैलरी पे क्लिक करूँगा यहाँ पे हम अलाउ पे क्लिक करेंगे। और जैसे अलाउ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड में मेरी इमेजेस पड़ी हैं, और यहाँ पे मैं डाउनलोड में से जो है अपनी एक PNG फाइल यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं एक अपनी PNG फाइल, यहाँ पे हम ये वाली पिक्चर डाल देते हैं। ये डालने के बाद यहाँ हम कर देंगे अपडेट पे क्लिक, एंड यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे जी थोड़ी देर वेट करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे हमारा देखे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग में है। याद रहे कि आपका पिक्चर जो है बिल्कुल भी, यहाँ पे देखें सक्सेसफुली वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे देखें फोटो, यहाँ पे जो वेरिफिकेशन यूजेस कलर लाइट बी कलर ऑफ यू आर सेंसिटिव टू लाइट, स्टार्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंफर्म टू योर रियल। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें तो हमें कह रहा है कि आपका लाइटिंग वगैरह ज़्यादा है, तो आपको लाइव में
वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर स्टार्ट वेरिफिकेशन पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने इस तरह का यहाँ पे कैमरा शो करेगा, और कैमरे में जो है हमें क्या करेंगे, हमें अपना फेस इसमें फिक्स करना है। जैसे फिक्स करेंगे एक पिक्चर लेके हमारा डन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अभी जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे सही से लाइटिंग नहीं है, तो यहाँ पे मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको यही तरीका अपनाना है, पहले फ़ोटो देना है, फिर आपको स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करके अपना बस कंफर्म करना है कि हाँ वाकई इसी बंदे का अकाउंट है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए मोहम्मद सलीम आ रहा है, आपने अपना नेम रियल ही देना है। अगर आप जीमेल से डायरेक्टली कर रहे हो तो आपकी जीमेल आपके अपने नेम पर ही बनी होनी चाहिए, मतलब कि जब आप जीमेल बनाते हैं तो जीमेल में आपका नाम जो रियल है वो रियल ही होना चाहिए। अगर आपको दूसरा होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम रह सकती है। एंड इसके बाद यहाँ पे वॉलेट पे आते हैं, यहाँ पे जी वॉलेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें तो हमारे पास जेम जो है यहाँ पे तकरीबन हम जेम बाय एंड यहाँ पे सेंड एंड रिसीव भी कर सकते हैं। ऊपर देखें तो एथेरियम यहाँ पे ETH है, इसको भी हम सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। सेंड यहाँ पे सेंड पे करके करेंगे, एंड रिसीव हम रिसीव पे क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसको बैक करता हूँ, एंड बैक करने के बाद दोबारा यहाँ पे देखें तो दरमियान में एक यहाँ पे माइन वाला सेक्शन है। यहाँ पे माइन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे स्टार्ट माइनिंग पे क्लिक। जैसे हम स्टार्ट माइनिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए तो हमारे पास 24 घंटे यहाँ पे बाद आके हमें माइनिंग करनी है। और याद रहे कि 24 घंटे के बीच आपने अगर यहाँ पे क्लेम पे क्लिक करना है तो आपको जस्ट क्लेम पे क्लिक करेंगे तो वो आपके टोकन यहाँ से निकल कर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे देखें तकरीबन एवरी हावर यहाँ पे तकरीबन एक टोकन हमें मिलता है 1 घंटे का, ठीक है। यहाँ पे ऐड होने का मतलब यह है कि आपको यहाँ पे क्लेम होने के बाद आपके यहाँ पे बैलेंस में चले आएंगे। ये नहीं कि आप यहाँ से हटा के आपके टोकन क्लेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका हर्ली रेट बढ़ेगा, आपका हर्ली रेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जैसे ही क्लेम करोगे तो क्लेम करने के बाद आपको वो बैलेंस में चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम स्टार पे क्लिक करते हैं, एंड स्टार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए तो हमारे पास सारा डेटा शो करवा रहा है। यहाँ पे देखिए KYC, यहाँ पे रिवार्ड है, यहाँ पे जी FS1 इन योर नेटवर्क कंप्लीट दी मिशन, यहाँ पे मिशन वगैरह भी दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पे मिशन करते हैं फिर आपको यहाँ पे भी टोकन रिसीव होंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखें तो साथ में है यहाँ पे नेटवर्क, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग कैसे करनी है, ज्वाइनिंग के लिए आपको यहाँ पे जो ये एक्सपेंड योर नेटवर्क नाउ, तो यहाँ पे माई QR है। यहाँ पे अगर माई QR पे क्लिक करूँगा तो फिर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये वाला जो है यहाँ पे कॉपी करना है। एंड कॉपी करने के बाद आप किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, वो जितने भी बंदे आपके लिंक के ज़रिए ज्वाइन करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहेगा। आप अगर मेरे लिंक से ज्वाइन करेंगे तो मुझे भी फ़ायदा होगा, अगर आप मेरे लिंक से नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, आप जस्ट इस पर माइनिंग स्टार्ट करें। और मैं कहता हूँ कि मेरे साथ साथ आपका भी प्रॉफिट बनता रहे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसकी कोई और भी अगर अच्छी अपडेट आ जाती है तो वो आपके साथ मैं लाजमी शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।